शुक्रिया डीजे आवाजी चषक 2020 में सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट आवाज़ चषक 2020 हजार बीस रामवर्दी सोनगा वर्सेस मालबड़ी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा क्रूशल मैच रहेगा दोनों टीमों के लिए और अच्छी टीम है चलिए एक बार फिर मालवाड़ी की टीम की बात करें तो अजय बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इनकी तरफ से हुई है और सबसे ज्यादा चौके झंडे वाले खिलाड़ी है अजय वो खेल रहे मालवाड़ी में विकास है प्रणव इनके ऊपर भी निगाह रहेगी दूसरी रहे तरफ से सुजीत सूरज स्वप्निल चेतन किरण नीलेष सागर सागर के ऊपर भी निगाह रहेगी संकेत भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये जो खिलाड़ी है विकास के ऊपर भी दिखाई रही कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है सोनगांव की तरफ से तेजस खेल रहे हैं निलेश मिथुन मिथुन ने प्रभावित किया बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की तेजस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ऋषि और उसके साथ दिनेश जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की तो लगातार तीन चक्के जडने का काम पहले दिन किया था और गेम चेंजर बने थे शेखर एक अलग खिलाड़ी हैं विकेट के पीछे रहते हैं मैदान के अंदर रहते हैं तो पूर्तिलापन बिल्कुल रहता है विशाल जो कि रीड की हड्डी इस टीम की सौरभ एक प्रभु बल्लेबाज है जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करेंगे प्रवीण और सिद्धेश खास करके प्रवीण के ऊपर भी एक ऊपर जिन्होंने डाला था प्रवीण ने थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था इसलिए लेवल की टीम मैक में वापस आती लेकिन जो आखिरी ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मिथुन उससे पहले एक ओवर था जैसे कि अशोक का वो कहानी में पलटवार लेके आया गेम चेंजर खिलाड़ी बने अशोक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनकी तरफ से भी रहा है तो अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मैच की तरफ जाएंगे मैच होगा रामवर्धा सुनगा वर्सेस मालबाड़ी अवश्य एक ब्रेक के साथ सीधा मैच की तरफ रुक करेंगे दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्पस में आना बहुत जरूरी है एक ब्रेक लेते हैं सुपरहिट गाना सुनते हैं यू गए और यू आए सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है आप देख रहे हैं आवाज चषक दो हजार बीस इस प्रतियोगिता के लिए दो ऑफिशियल की बात करें तो बा, मोंटी और विशाल नाइक हैं धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं उसके बाद में अब सेमीफाइनल का बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा है मंत्र चंद्र ये राम वरदानी की सोनगांव की एक अच्छी टीम दूसरी तरफ से मालवाड़ी का केमा वो भी हम आपको दिखाएंगे और रोचक मुकाबला समाप्त हुआ क्या मैच रहा है रात भी बाकी है बात भी बाकी है ये तो सिर्फ टेलर था पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त बहुत कुछ आना बाकी है लेकिन ये मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा टॉस रामवर्धन ने जीता पहले फिल्टिंग करने का फैसला लिया है और मालबाड़ी आबाशी के पास भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है मंत्रणा चल रही है तो रामवर्धन की टीम धीरे धीरे मैदान की तरफ आएगी हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक टेस्ट टेस्ट हेलो चेक टेस्ट रामवर्दर के जो खिलाड़ी वो धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं प्रारंभिक बल्लेबाजों के लिए भी एक बार फिर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण तो रहेगा और आज का पहला जो मैच रहा बहुत ही शानदार शानदार मुकाबला रोचक मुकाबला समाप्त हुआ तो चलिए अब सोनगांव के जो खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं रहे। कर दे सोनगांव ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला लिया ये सारे खिलाड़ी धीरे धीरे विशाल आप देख रहे पिक्चर में सौरभ को आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा इंटरेस्टिंग मैच ये भी हो सकता है एक तरफ मालवाड़ी की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी दूसरी तरफ से राम गर्धन ने अभी भी एक शानदार क्लोज़ मुकाबला जीता है तो वो इनके हौसले बुलंद है मालवाड़ी के पास भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैच की बात करें तो मैच नंबर सिक्सटीन और ये सोलहवा मुकाबला रहेगा इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का मैच रहेगा उस मुकाबले में अब बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और पांच ओवर में कितने रन बनाएंगे वो देखना बहुत जरूरी रहेगा खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं ये मंत्रणा चल रही है यह हटल देखिए इस रामवरधानी का रामवरदानी राम सोनगांव की टीम एक जबरदस्त टीम है और मंत्रणा कर रही है बनाते हुए पर जो बल्लेबाज है प्रणव रहेंगे नॉन पर अजय इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अजय ने अच्छी क्रिकेट खेली अजय ने इस प्रतियोगिता में सात चौके जड़ने का काम है सबसे ज्यादा चौके इनके बल्ले से आए हैं मालवाड़ी की तरफ से चेतन ने प्रभावित किया है और अच्छे गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इनकी तरफ से सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है आप देख रहे हैं अब चषक दो अजय ऑन स्ट्राइक बहुत अहम खिलाड़ी है और दूसरी तरफ से प्रणव नॉन स्ट्राइक की तरफ गेंदबाजी करने के लिए विशाल प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मोंटी गुडेकर इशारा कर रहे हैं इस वक्त पावर प्ले का पहला पावर प्ले पावर प्ले ऑन ऑन सेट की तरफ अच्छा शॉट गेंद के साथ बॉल की तरफ ट्रेल खिलाड़ी यहाँ मौजूद है क्या रोक पाएंगे बिल्कुल रोक पाएंगे क्योंकि टिप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ गेंद बॉडी लैंड की तरफ नहीं गई और बट क्या फील्डिंग का बहुत सुंदर फील्डिंग ऑन साइड पर रामवर्धनी और मालवाड़ी आपकी तरफ से एक एक खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ होना चाहिए वो कंपल्सरी रहेगा शिकंद सर आप स्वागत है वेलकम दो रन बगैर किसी नुकसान के अजय का खाता खुलता हुआ अजय बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे इस मैच में तो बहुत बढ़िया गेंद थी और अपने फालोतर में बढ़िया फील्डिंग लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे सिंगल के साथ रन संख्या तीन रन ओवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण तो ओवर चल रहा है पहला ओवर विशाल डाल रहे और हिले से गेंदबाजी कर रहे हैं मानबड़ी की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं तीन रन बगैर किसी नुकसान के विशाल जिन्होंने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्नीस रन और दो से पलदार अर्जित की थी प्रमुख गेंदबाज के तौर पर लाजवाब प्रदर्शन किया बैकफुट में जाके इस बार इनफील्ड के ऊपर से अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ गेंद गेंदबाज तो की तरफ जाएगी चार रनों के लिए इस पारी का पहला चौका प्रणव के बल्ले से खूबसूरत चौका कराना प्रहार गेंदबा लेने के बाद मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार

थैंक यू डीजे प्रणब आठ पर बल्लेबाजी कर रहे दो गेंदों का सामना किया है एक तरफ अगर देखिए तो रन संख्या रन बगैर किसी नुकसान के दो की मदद से एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए बल्लेबाज प्रणव विशाल के ऊपर हमला हो रहा है पिछले मैच के हीरो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं बढ़िया गेट ऑफ टम के बाहर था लेकिन इस बार जो थर्ड मैट पर खिलाड़ी था इन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की एक रन का इजाफा होगा गेम थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ जा रही है फील्डिंग और अपनी टीम के लिए के तीन रन बचाए हैं बारह रन बगैर किसी नुकसान के ये ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति पर है पांच गेंदों का खेल समाप्त होता है फिलहाल ये अच्छा ओवर है मालबाड़ी के लिए पावर प्ले ओवर जिसमें की शानदार बल्लेबाजी प्रणव द्वारा बढ़िया गेंद खराब शॉट अजय द्वारा बड़े मंच पर भी आपको निरंतरता की जरूरत है शॉट सिलेक्शन खराब था चारों खाने चित कर दिया और बल्लेबाज अजय टी तट बना के बैक टू दैवन जाते हुए शुक्रिया डीजे एक बार फिर टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर रखा था ओ बढ़िया गेंद बहुत ही अच्छी गेंद स्टम्प के अंदर गेंद थी वैसे अगर देखें तो टिप्पा खाने के बाद मिडिल स्टम्प से ऑफ स्टंप की तरफ जा रही थी और मिडल स्टम्प पर टकराती भी हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी बहुत अच्छी गेंदबाजी लेकिन इस ओवर में प्रणब ने अच्छी बल्लेबाजी की बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बल्लेबाजी करते हुए वो बारह रन बनाए हैं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावात त्या बारा एका गडाच्या मोबदल्या नंबर तीस नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आला तो सागर आता गोलंदाजीमध्ये निश्चित बदल केला जाईल आपल्या कुट्यातलं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अशोक ज्यानं यापूर्वी जर विचार केला तर लवेल समोर चौथं षटक अतिशय अप्रतिम टाकलं होतं धावपलका दाबा त्या एकूण बारा ओव्हरचा विचार केला तर दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय विशालच्या षटकात आल्यात बारा एक गडी बाद करण्यामध्ये बॅक टू द जातोय जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या गोलंदाजी मार्कवरती अशोक सज्ज होतोय आणि आता तो गोलंदाजी करेल हिल एंडकडनं गोलंदाजी करतोय दरम्यान त्यानंतर आता क्षेत्रक्षक आहे एक एक्स्ट्रा ट्रा एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइडला लॉन्ग ऑफचा चा क्षेत्रक्षक आणि पावारपेचं दुसरं षटक अतिशय महत्वाचं षटक खेळण्याची जबाबदारी सागरची इनफॉर्म बॅट्समन मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आहे गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज संजय राईट ओव्हर दंथांच्या डाब्या अत्याखंड गोलंदाजी करतोय आपला फुलटा चेंडू आहे अत्यंत सुंदर पद्धतीने खेळला आहे बॅटच्या पद चेंडू लागतोय सीमा रेखा पार जातोय आणि चेंडू सीमा पार षटकार लातून फटका आलाय फुलटॉच चेंडूवरती खरपूस समाचार घेतला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमारेखाच्या बाहेर षटकारासाठी स्पर्धेतला बहात्तरवा षटकार या ठिकाणी नोंदवला जातोय अठरा धाबा एका गड्याच्या मोबदल्यात चुकीला माफी नाहीये अशोकने यापूर्वी जी गोलंदाजी केली म्हणजे यापूर्वीच्या सामन्यात जी गोलंदाजी के केली ती थोडी ऑपन मिडल स्टर्मच्या दिशेने मात्र हा चेंडू खोलबर टप्प्यावर टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तो पूर्णपणे फसला आहे दुसरा चेंडू टाकण्याकरता अशोक सज्ज यावेळी आणखीन एक चांगला फटका असून तरी तिनं कबरच्या मध्ये अप्रतिम फलंदाजी टेंडू सीमा पार चौकार शिवबाचा छाबा आणि याल्या चार धाबा फलंदाज खाती घडून दुसऱ्या बाजूला बॅकटोली चांगली फलंदाजी करतो प्रणव पाच चेंडू पर्यंत पाच चेंडू वरती आतापर्यंत त्यांनी एकोणीस धाबा कुठले आहेत सागरला खातं खोलायचं अशोकच हे षटक मात्र महागड राईट ओव्हर टप्पा ऑफ खूपच बाहेर आहे पंच दोन्ही यात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू स्वैर आहे धावपलका धाबा तेवीस एका गडाच्या मोबत संघ मैदानात फलंदाजी करतोय यामुळे खूपच बाहेर म्हणजे जवळजवळ दहाव्या बारा स्टपवरती चेंडू टाकलाय अशोकनं अप्रतिम मारा केला त्यावेळी दबाव होता दबावात चांगली था, गोलंदाजी केली होती घातक गोलंदाजी केली होती आता मात्र तो थो थोडासा ओव्हर थो 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 अँबिशियस वाटतो आहे आत्मविश्वास वाढायला हवा खरं तर परंतु ब कधी कधी ज्यावेळेला एखादा विजय प्राप्त होतो चांगली कामगिरी आपण करतो त्याच फार भारावून जातो त्याचा परिणाम या ठिकाणी जाणवतो आहे राईट टाईम ओव्हर द बेकिट अशोक चांगल्या छोटा अत्यंत सुंदर छोट्या ही लेंथ ही लाईन फार महत्वाची आहे थोडासा वेळ लागला तोपर्यंत फलंदाजाने दोन मोठे फटका विचार केला तर तेवीस दबा एका गड्याच्या मोबदलात यावेळेला चांगला चेंडूचा परंतु क्रॅम झाला आहे म्हणजे त्याचा बॅकलिपचा वापर करण्याकरता तेवढीची संधी नव्हती मोठा फटका खेळण्याकरता तेवढी मुभा नव्हती तेवीस दबा एका गडाच्या मोबदबाद मालबाडीचा संघ सेमीफायनलचा मॅच खेळत असताना यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे हवेत चेंडू आहे लिडिंग एज लागला आहे झेल तितकाचा सोपा नाही आहे तीन क्षेत्ररक्षक होते प्रयत्न चांगला केला परंतु ब थोडा शरीरापासून दूर झाला आपण कसं झालं ते बघूया अशा पद्धतीने हा चेंडू ब थोडा ऑफ्टमच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा जा प्रयत्न केला लिडिंग गेज लागलं होतं वरती गेला चेंडू खूप वरती स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात जातोय आणि आता तिथून खाली येतोय उंचावरून खाली येतोय आकाशातून खाली येतोय चेंडू इथेच आणखीन जवळ असतात शरीराच्या जवळ छातीच्या जवळ असता तर मात्र हा झेल झाला असता शरीरापासून दूर झेल घेण्याचा प्रयत्न केला तंत्र चांगलं होतं परंतु अगदी जवळ गेला असता तर मात्र झेल चांगला झाला असता पंचवीस धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात यावेळी चांगला फटका आहे पण एकदा आपण अतिशय बेगाने कबरच्या दिशा इथं मात्र चेंडूवरती येतोय एक धाव पूर्ण केले तर ते एका धाब्याने धाव संख्या वाढत येते सव्वीस एका गड्याच्या मोबदल्यात मालबाडीचा संघ धावपलका सव्वीस एका गड्याच्या बोबद्दल अत्यंत महत्त्वाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे आणि हे स्पर्धेचं संयोजन देखील अत्यंत छान पद्धतीनं करण्यात आलेलं आहे बावीस वरती आठ चेंडू न तो, तो सामोरा जातोय या मला मोठा पटका ऑन साइडला खेळला डीप मिड बेडण्यात आले की स्क्वेअर दोन षटके असताना सामण्यात आला होता तो सोनगावचा संघ परंतु वारंवार तसंच घडेल याची खात्री कोण देणार क्रिकेटमध्ये जीवनदान मिळतंय अर्थात प्रणवला सागरला दोन्ही खेळाडूंना इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता खरं तर अशा वेळेला चेंडू कवरच्या चे दिशेने जायला पाहिजे पॉईंटच्या दिशेने जायला पाहिजे तसं काही घडत नाही आहे भारत मागे जातो आहे आणि मग सरळ बॅटने आहे चेंडू जातो आहे लंकॉनमध्ये सोप्पा झेल सोडला जातो आहे जिथे मला वाटतं बहुधा सौरभ असेल सौरभनं ठेवलेला हा सोप्पा झेल आहे यापूर्वी स्क्वेअर लेगमध्ये सुद्धा एक झेल सुटला आहे आत्तापर्यंत तीन झेल सोडलेले आहेत एकोणतीस एकाकड्याच्या मोबदल्यामध्ये गोलंदाजी मार्फ करते गोलंदाज विशाल भूपात एकदा सज्ज होतो आहे फार मोठा रन नाही आहे क्षेत्रक्षणामध्ये बदल केलेला आहे विकेट या वेळेला चेंडू फिरतोय परंतु एक धाम येते बॅटची कड घेऊन चेंडू थर्डमॅन पट्ट्यात येतोय आणि क्षेत्रक्षक सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्रक्षण अत्यंत उत्तम प्रकारचे क्षेत्रक्षण होत आहे थर्डमॅन मध्ये किरण सर्कलमध्ये आहे तीस धाबा एका गड्याच्या मोबद्द्यात तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना गोलंदाजी विशाल पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट त्यामुळे मोठा फटका खेळला अत्यंत सुंदर प्रतीन मात्र लॉंगा पद क्षेत्रक्षक आहे जवळेल अप्रतिम झेल टिपलाय लॉंगा मध्ये फलंदाज सागर बॅक टू दॅव्हलम तीस धावांवरती दुसरा धक्का बसतोय अजिंक्य ने घेतलेला अप्रतिम झेल आहे थँक्यू चांगल्या चेंडूचा फ्लाईट दिलेला एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हेलिकॉप्टर अर्थात व्हायटिश आपला जो क्षेत्रक्ष आहे विकासच्या आता चेंडू जातोय आणि त्यामुळे इथं कोणती चूक नाहीये दोन गडी बा तीस आतापर्यंत तीन झेल सोडले आहेत आता इथं बघा हा जो सामना या सामन्यामध्ये जे चेंडू आहे ते तीन चेंडू झालेले आहेत तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे दोन पॉईंट तीन षटकामध्ये दहा प्रकार आहे त्या तीस दाबा दोन गड्याच्या मोबत द्यात विकास नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सागर अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू ज्या पद्धतीनं बघितलं तर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात आलेला आहे पंचांवरती निश्चित थोडस आपलं परंतु यावेळेला कुठल्या प्रकारचा प्रभाव नाही अपील जोरदार केलं होतं विशालची अप्रतिम गोलंदाजी या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू होता आणि त्यांचे शरीराचं संतुलन होतं ते चांगलं होतं शॉर्ट सिलेक्शन इतकं चांगलं नव्हतं बॅकपूटला गेला होता फलंदाज सागर तीन चेंडू तीन दाबा यावेळेला मोठा फोटका -फोट खेळला खेबर क्षेत्रक्षक अतिशय वेगाने चेंडू वरती येतोय आणि आता हा चेंडू सीमा पार जाईल वाटतंय अतिशय खराब क्षेत्रक्षणाचा फायदा मिळतोय या चौक केला आकार येतोय संगला चेंडू अत्यंत चांगला होता थोडा ऑफ्टमच्या बाहेर होता स्ट्रोक होता प पॉईंटला क्षेत्रक्षक आहे मात्र तिथे चेंडू वळतोय आणि त्यानंतर मात्र सिमारिकेच्या बाहेर जातोय जज करू शकलेले नाहीये आतापर्यंत या स्पर्धेत एकशे दहा चौकार तोटवल्या गेलेल्या आहेत चौतीस दाबाद दोन गाड्यांच्या मोबदल्यात हा चांगला चेंडू होता अत्यंत सुंदर पद्धतीने मात्र तितकाच दर्जेदार क्षेत्रक्षण होतंय सर्कलमध्ये मिथून उकमाचा एक काय चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली आहे दुसऱ्या षटकाचा खेळ बघितला तर तो तोही संपला आहे तिसऱ्या षटकाचा खेळ तोही संपलेला आहे तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाब्याचा धाबा आहे त्या पस्तीस दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सागर अजून तग धरून आहे विकासला चांगली खेळी करावी लागेल मालवाडीचा संघ मैदानात फलंदाजी करतोय सोनगाव आणि मालगाव अशी लढत आहे एका ब्रेक नंतर आपण परत येऊया बरीच चर्चा या ठिकाणी करणार आहे चांगला खेळ आपल्याला बघायला मिळेल कुठेही जाऊ नका पाहत राहा अवश्य दोन हजार वीसचा चा महासंग्राम मधल्या तर तीन षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर मालवाडीचा संघ आत्ता बघा मगाशी सत्तरच्या आसपासचा स्कोर दिसतो आत्ताच प्रोजेक्ट स्कोर अठ्ठावनपर्यंत आलाय करंट रेंडे थोडासा खाली आलेला आहे आणि त्याचा परिणाम आहे म्हणजे विकेट गेली नंतर तो जो मोमेंटम असतो क्रिकेटमधला जो अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे तो गोलंदाजाकडे जातो इथे मात्र जोपर्यंत सागर आहे तो चांगल्या स्टा, स्ट्राईक रेटमध्ये फलंदाजी करू शकतो इतकी क्षमता त्याच्याकडे आहे विकासनं खातं खोलण नाही गोलंदाजी मार्गवरती प्रबीण येतोय आपल्या कोटातलं पहिलं आणि संघाचं चौथं षटक घेऊन राऊंड विकेट मारा केला जातोय चांगला चेंडू ऑन साईडला खेळला चेंडू स्क्वेअर लेग पट्ट्यात जातो अतिशय वेगाने इथे मात्र क्षेत्रक्षक आहे स्क्वेअर लेगला छप्पन छोटंवरती येतो एकच धाव काढली जाते इथे आरामात दोन धबा पूर्ण झाल्या असतात तसं काही घडत नाही आहे विकास <laughs> शेखर हा एक वेगळा कॅरेक्टर आहे आणि तो जाणून बुजून बोलतोय तो धावणार नाही आहे त्याला माहिती आहे हा एक माइंड गेम म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचा माइंड गेम खेळण्यामध्ये तो देखील हुशार आहे सचिन शर्माचं या ठिकाणी आगमन होत आहे धावपलकर दाबाद झाल्या छत्तीस दोन गड्याच्या मोबदल्यात विकासला आपलं खातं खोलायचं एक चांगला क्रिकेटचा खेळ आपण बघतोय पहिलाच सामना रंगला होता रोमर्शक झाला बदल झाला तर या सामन्याकडे सर्मांचं लक्ष असेल प्रवीण गोलंदाजी करण्याकरता होते राऊंड विकेट मारा करतोय आपल्याला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला शेखर झेंडू खाली येतोय झेल सोपा नाहीये अत्यंत जबरदस्त झेल घेतलाय शेखर मोरे कमाल करतोय या मोसमा मधला हा त्याचा दुसरा प्रतिम जेला आहे तोही व्हायरल होणार आहे आपण तो व्हिडिओ बघणार आहोत एका ब्रेक नंतर परत येऊ थँक यू डीजे अतिशय खराब फटका होता ज्या पद्धतीने खेळला गेलाय त्यानंतर बरंच काय मैदानात घडलेलं आहे उंच असं उडाले झेल आहे झेल घेणं सोपं नव्हतं आणि अशा बैला झेपावात घेतलेला हा अप्रतिम झेल आहे शेखर बोरे या ठिकाणी जमिनीवरती आदळतोय पण झेल काही सोडत नाहीये आणि ही, ही खासियत आहे सोनगाव पोबेल्डिंग मधला तो व्हिडिओ देखील व्हायरल झालाय आहे आज टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातनं आवाजी चकातला व्हिडिओ देखील व्हायरल होणार आहे और एक बार फिर इनके लिए लाइन तो आनी चाहिए जिस तरह से वो इन्होंने कैच पकड़ा था बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त मैं एक बार फिर उठना चाहता हूँ मैं भागना चाहता हूँ मैं दौड़ना चाहता हूँ मैं गिरना भी चाहता हूँ लेकिन रुकना नहीं चाहता ये शेखर मोरे रहे हैं कमाल कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया शॉर्ट बहुत ही खराब था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये कला है इस खिलाड़ी के, के अंदर इससे पहले एक माइंड गेम खेलने की कोशिश भी की थी बढ़िया देखिए एक बार देखिए बार बार देखिए हज़ार बार देखिए इस कैच को अब क्योंकि बस दायरे के अंदर थे गेंद पीछे आ रही थी बहुत ऊपर भी चली गई थी उनको पीछे भी आना था अगर ये गेंद के ऊपर निगाह रखनी थी इस तरह से फील्डिंग होगी ना तो मज़ा आएगा विकेट बहुत ही बेस्ट गेम थी था बल्लेबाज विकास आज कुछ अच्छी पारी नहीं खेल पाए संकेत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है इनके ऊपर निगाहें हैं इन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है रन संख्या छत्तीस रन तीन विकेट के नुकसान पर थर्टी सिक्स प्लॉस की बात करें तो चौथा ओवर प्रवीण इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब आएगा मजा सागर जैसे बल्लेबाज सामने है प्रभावित किया है पर पर के लिए ले, लेकिन इस बार क्या खिलाड़ी है नहीं देखने वाली बात गेंद बॉल की तरफ जाएगी शानदार शॉट सागर के बल्ले से यह कमाल का चौका है थोड़ी सी जगह मिली और इसका पूरा फायदा उठाते हुए भरपूर फायदा उठाते हुए शुक्रिया दोस्तों टिब्बर थोड़ा सा ऑफ टम के बाहर था थोड़ी सी जगह मिली और खुद के लिए जगह बनाते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज़ में शरीर का अच्छा संतुलन रखते हुए स्क्वायर कट किया बहुत मज़ा आया जो कि कवर की तरफ खिलाड़ी है दायरे के अंदर थर्ड मैन का खिलाड़ी उसके बीच का फासला चीरती भी गेंद कोहली के रफ्तार के साथ बॉडी लैन के बाहर चले गई एक विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज सागर का बल्ले के बीचों बीच जब खेलते हैं तो मज़ा आता है बहुत बार हमने देखा है वो जो कि बल्लेबाजी जब करते हैं तो भी में खेलते हैं इसकी क्या जरूरत बहुत ही खराब शॉट खेल के बल्लेबाज बैक टू दिन जा रहे हैं सागर डिपार्ट इतना खूबसूरत स्कोर कट किया था उसके बाद में चारों खाने छीत कर दिया पीछे खेलना चाहते थे स्कूप करना चाहते थे एक बहुत ही बड़ा शिकार

शुक्रिया दोस्तों सभी दर्श, दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है आवाशिक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट दो हजार 2020 का बहुत ही अहम मुकाबला सेमीफाइनल का पहला मैच चल रहा है रामवर्दानी सोनगांव और मालबाड़ी आवाशिक बीच सागर का विकेट गिरने के बाद दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है लेकिन एक गेंद पर संकेत जैसे बल्लेबाज है चेतन के अंदर काबिलियत है लेकिन संकेत फॉर्म में खिलाड़ी है इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजायरा प्रवीण द्वारा पिछले मैच की बात करें तो एक गेंद छोड़कर प्रवीण ने कुछ प्रभावित नहीं किया था लेकिन इस ओवर की कहानी देखिए सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है प्रवीण एंड से गेंदबाजी करेंगे पर बल्लेबाज चेतन बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हुए उछल के ऑन टॉस खेले के कदम गेंद जाएगी बड़ा शॉट अच्छा इस्तेमाल उछालता इस गेंद के ऊपर लेकिन खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो थर्ड मैन की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत शॉट देखिए एक बार फिर इंतजार किया ऑन द टॉस खेले और बल्ले का चेहरा दिखाते हुए इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से राजेंद्र मालकर याच यह आगमन चले ल मैदान बैट्समन चेतन देख बात होते है राजेंद्र मालकर सर हार्दिक स्वागत है चौवालीस रन पांच विकेट के नुकसान पर चार ओवर का खेल समाप्त तो है गाने के साथ वापस आएंगे चर्चा जाएगी गुप्ते जारी रहेगा अमित चषक दो हजार बीस का घमासन आप देख रहे हैं शुक्रिया डीजे सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है आप देख रहे जबरदस्त मैदान के अंदर और सोनगांव के बीच आवाज 2020 दो हजार बीस में जबरदस्त मैच चल रहा है चवालीस चार विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर लेके गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मिथुन गेंदबाजी करेंगे और नए बल्लेबाज की बात करें तो नए बल्लेबाज भी मैदान के अंदर है सुचित नए बल्लेबाज एक प्रशंकित जैसे बल्लेबाज डटे हुए हैं इनको विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है क्षमता इनके अंदर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है शानदार तरीके से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो तैयार है मैं के इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड पर से विकेट आफ्टर चार ओवर का खेल समाप्त आए हैं उड़ाया असम की तरफ लॉकडाउन की तरफ खिलाड़ी है लेकिन क्या कैच हो जाएगा इस बार बढ़िया फील्डिंग शानदार फील्डिंग का मुजाह क्या कमाल की फील्डिंग की है रन लेना चाहते या खिलाड़ी या खतरा हो सकता था लेकिन दो रन मुकम्मल किए हैं तारीफ करनी होगी क्या कमाल का यहाँ प्रयास किया गया है जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो बहुत सारे शानदार कैचेस हमने देखे थे एफर्ट हमने देखे थे पूरन का एफर्ट कमाल का था ये देखिए एक बार फिर ये एफर्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड गेंद को पकड़ा बाहर जा रहे थे उससे पहले गेंद को अंदर की तरफ लेके आए वाह मजा आया ये एक बार फिर टैलेंटेड खिलाड़ी है चालीस पांच विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इसकी क्या जरूरत थी जो सागर ने गलती की एक बार फिर संकेत ने गलती की मेरे हिसाब से यह अच्छे संकेत नहीं है मालवाड़ी के उम्मीदों को और एक झटका लगता हुआ विकेट गिरेगा तो गाना भी आएगा शुक्रिया डीजे बहुत अच्छी गेंदबाजी मिथुन द्वारा ये देखे इस तरह से खेलने की कोशिश की है कि आ, क्या इसकी जरूरत थी सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे थे सूचित करने का प्रयास किया गया और गेंद स्टंप पर टकराती हुई भी चारों खाने चेत कर दिया सौ सोनार की एक लोहार की बॉलिंग जिस तरह से इस बल्लेबाज के बाद गलती सागर ने की वो गलती मेरे हिसाब से यहां संकेत ने की कोई जरूरत नहीं थी आप दोनों बल्लेबाज जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से निरंतरता के साथ रन बनाए थे तो आपको उसी निरंतरता के साथ भी में बल्लेबाजी करते हुए मेरिट के हिसाब से क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ना था लेकिन मितुन वाह क्या कमाल का प्रदर्शन कर रहे चालीस रन छह विकेट के नुकसान पर मालबाड़ी का स्कोर है फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं लेफ्ट एंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर इनकी तरफ अब बल्लेबाजी करने के लिए सुपने नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ सूचित है दोनों बल्लेबाज नए हैं इनको जीरो से आगाज करना है गेंदे बहुत कम है वक्त बहुत कम है धमकम ज्यादा लगाना होगा और चतुराई के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है क्या अपना स्वाभाविक खेल हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज सातवें आठवें नंबर पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बिल्कुल दबाव बनेगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेहतर फील्डिंग कर सकते थे लेकिन निगाह गेंद के ऊपर नहीं थी दो तो रनों का इजाफा जब ये शॉट खेला गया तो बल्ला जो है विकेट पर लगा उसके बाद में गेंद बल्ले को लगी है इसीलिए देखिए इतनी तेजी के साथ गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं गई

देखिए सफर को जारी रखना बहुत जरूरी है आवासी चषक दो हजार बीस में रामवर्धनी और मालवाड़ी के बीच मुकाबला चल रहा है मालवाड़ी का स्कोर है पचास रन छ विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर प्रगति पर है दो गेंदों का खेल शेष है और अहम मुकाबला चल रहा है जिस तरह से मैच है जिस मैच में शुरुआत अच्छी की थी मालवाड़ी ने लेकिन बीच बीच में रेगुलर इंटर में विकेट गिरते गए वो सबसे बड़ी परेशानी रही टप्पा काटने के बाद गेंद लेती रही है इस बार बल्लेबाज नहीं समझ पाए सुंदर गेंदबाजी का ही रहा बाइस का इशारा मॉन्टी कर रहे हैं विकेट को पक्का देते हुए गेंद पीछे आई लेकिन तारीफ करनी होगी विशाल की देखिए ये गेंद रोकना इतना आसान नहीं है ज़्यादा ऊपर नहीं आए भले बात नहीं समझ पाए लेकिन इस बार विकेट कीपिंग बहुत ही उमदा होती भी शानदार गेंदबाज़ी हर बार 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 अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मिथुन आने वाले दिनों में इनकी भी चर्चा होगी फिफ्टी वन फ्लॉस ऑफ सिक्स विकेट नाउ लास्ट टूट प्रोग्रेस इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है करने के लिए गेंदबाज लंबे रनअप के साथ दूर इनसे गेंदबाजी करेंगे पर बल्लेबाज बाहरी किनारा बहुत तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है लेकिन तारीफ करनी चाहिए इनके भी हो हो बढ़िया फील्डिंग प्रवीण द्वारा इसी के साथ ये पांच ओवर का खेल समाप्त होता है संख्या बावन रन छ विकेट के नुकसान पर अब एक बार फिर देखेंगे जिस तरह से बल्लेबाजों का लेखा जो का है किस तरह से आज बल्लेबाजी हुए हैं प्रणव तेईस रन बनाए क्या स्टार्ट हुआ था दस गेंदों में एक अच्छा स्ट्राइक रेट इनका था अजय ने बनाए तीन रन मेरे हिसाब से आज प्रभावित नहीं किया सबसे ज्यादा चौके इन्होंने जड़े पूरे टूर्नामेंट में सागर तेरह ने एक अच्छा स्टार्ट इनको मिला था लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए अपने टीम के लिए तेरह रनों का योगदान दिया विकास ने आज खाता नहीं खोला संकेत ने दो रन बनाए चेतन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेलने की कोशिश की थी लेकिन एक बार फिर बड़ी पारी की तरफ नहीं चले गए दो गेंदों में चार रन बनाए सुजीत ने बनाया एक रन स्वप्निल के चार रन रन संख्या छह विकेट के नुकसान पर बावन रन जीतने के लिए तिरपन रनों की जरूरत है राम वरदायनी को तो अब देखते हैं गेंदबाजों ने किस तरह से गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में खास के इस मैच के बात करें तो जिस तरह से गेंदबाजी हुए देखते हैं गेंदबाजों का क्या बोलबाला रहा है शुक्रिया डीजे विशाल ने दो ओवर डाले १९ रन खर्च किए दो सफलता उनके नाम पर है अशोक ने एक ओवर डाला 16 रन खर्च किए कोई सफलता उनके नाम पर नहीं है बहुत ही महंगे साबित हुए प्रवीण ने एक ओवर डाला है ९ रन खर्च किए और बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए मिथुन का जो ओवर था जिसमें कि सात ओवर रन आए आखिरी ओवर था एक रन इन्होंने दिया था तो विशाल प्रवीण और मिथुन ने प्रभावित किया बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की फॉलो विकेट पहला विकेट बारह पर गिरा था दूसरा विकेट तीस पर तीसरा विकेट छत्तीस पर गिरा था चौथा विकेट चालीस पर गिरा और पांचवा विकेट जो है चवालीस पर गिरा उसके बाद में अब देखिए जो बार के बाद के बीच मतलब एक अच्छी साझेदारी बनी उसके बाद में रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते गए हैं पांच ओवर की कहानी समाप्त दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बावन छह विकेट के नुकसान पर मालवणी ने स्कोर बनाया एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे ब्रेक के दूसरे पार दूसरी इनिंग की एक रोचक कहानी बताने के लिए मैं वापस आऊंगा वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है आप देख रहे जबरदस्त टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है आवासीय क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आवासी चषक 2020 मैं हूं हूँ प्रशांत वे और आप देख रहे हैं सेमीफाइनल का बहुत ही अहम मुकाबला रामवर्धनी वर्सेस मालबाड़ी दोनों टीमों के पास जो की बहुत बड़ा टैलेंट है यंग खिलाड़ी है कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है आहे मजा सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले की तरफ भी जाएंगे सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला सदगुरु आवासी और रुद्र इलेवन मुलुन के बीच होगा दोनों टीमों के कप्तानों को मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे कॉम्पॉस के सामने आए सदगुरु आमाशी और सदगुरु इलेवन मुलुन सदगुरु आमाशी और रुद्र इलेवन दोनों टीमों के कप्तानों को गुजारिश कर रहा हूं प्लीज हमारे कॉम्पॉस की तरफ आए तीस गेंदे तिरपन रनों की जरूरत है और प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ आएंगे बहुत मजा आएगा कुणाला सुटले हाव कोण खाऊन जाणारे भाव कुठे जाऊ नका पहात्रा मॅथचा दुसरा पडाव एका ब्रेक नंतर परत दिव्या असा गेलो आणि असा आलो शुक्रिया डीजे प्रारंभिक बदले को मैदान मैदान केंद्र आना आहे प्लीज सतीश भाऊ आपण या ठिकाणी पुन्हा एकदा बघतो व्यासपीठावरती अस्तस्त होत आहेत स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा एक चांगल्या प्रकारचं नेतृत्व बाळू आम असतील किंवा त्यांचे सर्व सहकारी असतील सचिन शर्मा सचिन शर्माचं देखील तेवढंच कौतुक आहे बाळूचं देखील तेवढंच कौतुक आहे सर्व टीमनं खूप चांगलं काम केलं आहे कदाचित या सगळ्या प्रवाहात एखादं नाव राहू शकतं परंतु एक टीम मनु अनेक उपक्रम अपन राबोदस था तीस गेंदों में जीतने के लिए तिरपन रनों की जरूरत है बहुत ही अहम मुकाबला प्रतियोगिता का चल रहा है सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं आवासीय चषक 2020 में अब प्रारंभिक बल्लेबाज विशाल और नॉन नौस्ट, नॉन स्ट्रैकेरियन पर अजिंक्य है एक नौजवान खिलाड़ी को लेके आए हैं इस वक्त विशाल बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है टैलेंटेड खिलाड़ी है अजिंक्य की अगर बात करें सोनगांव प्रीमियर लीग होती है तो इसका फायदा उनको मिल रहा है उसी तरह से हर गांव में एक छोटी छोटी टूर्नामेंट तो होनी चाहिए जिसके कारण क्या होगा जो खिलाड़ी फॉर्म में आएंगे सागर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है दूर वाले इनसे गेंदबाजी करेंगे ये प्रमुख खिलाड़ी है अनुभव की कोई कमी नहीं है अनुभव के भंडार अब पावर प्ले का इशारा होता माम पहला पावर प्ले का ओवर इस ओवर की पहली गेंद राइट ओवर द विकेट सागर की पहली गेंद बाहर गेंद शो गेंद थे की तरफ ट्रेवल हो रही है पीछा तो बिल्कुल कर रहे आउट बिल बहुत तेज है गेंद रुकने वाली नहीं है चार रन करारा प्रहार जोरदार वार गेंद बॉलिंग के बाहर मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार विशाल के बल्ले से पहला चौका राइट उहर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए सागर है वीरेंद्र सहवाग ने 28 बार पहली गेंद पर पहला चौका जड़ने का काम किया था जॉन एंड्रिद ने पाँच जन नाइनटीन में पहला चौका जड़ा था इस पारी की बात करें तो एक चौके लगे हैं चार रन बगैर के सिरुखसान के विशाल का खाता खुलता हुआ सागर राइट उहर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या गेंद है ये टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी बहुत ऊपर आई और गेंद के दस्तानों की तरफ जाते भी ये सागर की ताकत है विकेट से थोड़ी सी मदद मिल रही है ओह दट ब्यूटीफुल डिलीवरी क्या बात है टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत भी कर रही है उछाल भी है तो इस विकेट पर थोड़ी सी मदद है गेंदबाजों को राइट टा मोहर द विकेट गेंद को ड्राइव किया लेकिन खराब फेडिंग कवर की तरफ करते गेंदे थे कि सात बाउंड्री की तरफ जा रही है खिलाड़ पीछा कर रहे क्या गेंद को रोक पाएंगे इस बार नहीं रोक पाएंगे चार मिलेंगे विशाल का एक अच्छा कवर ड्राइव सेकंड बाउंड्री फॉर द बैट्समैन शुक्रिया बहुत खूबसूरती के साथ थोड़ा इनसाइड आउट के लिए कवर की तरफ अच्छा शॉट खराब फील्डिंग हुई है इसका फायदा बिल्कुल मिला ऑन द राइज खेलने की कोशिश की है, थोड़ा गेंद की तरफ जाके एक बार फिर गेंद बॉल की तरफ जाएगी तीसरा चौका विशाल के बल्ले से आउटैंडिंग बैटिंग तीन चौके के बदल से बारह पर पहुंच चुके हैं चौकों की बात करें तो आंकड़ा बहुत ऊपर के पार चला गया है लगभग एक सौ पंद्रह की तरफ जा रहा है लेकिन इस बार लगातार तीन चौके बल्लेबाज की तरफ से

लेकिन प्रमुख गेंदबाजों को चलना होगा अच्छी फील्डिंग फील्डिंग करने वाली टीम को करनी होगी पर पर है पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर एंड से गेंदबाजी कर रहे एक फ्लाइंग स्लिप है एक गली की तरफ खिलाड़ी एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद इस बार खराब फील्डिंग एक बार फिर विकेट कीपर और उसके पीछे भी खिलाड़ी थे इस इनिंग का चौथा चौका आता हुआ रन संख्या सोलह रन बगैर के सोलह के गेंद में कोई खराबी नहीं थी शॉट अच्छा नहीं था फील्डिंग का स्टेप थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है आइए डीजे थैंक यू डीजे अवश्य चषका मध्यम एक चांगली स्पर्धा अपन बगता है मना की प्रतिष्ठे स्पर्धा अपन बगता एक ऐतिहासिक स्पर्धा निश्चित तो यठिका पहता है या स्पर्धेचं जे तिसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आहे त्याचे प्रायोजक सुभाष नाना अंबरे यांचंही आगमन झालेलं आहे त्यांचं स्वागत आहे त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचं राजेंद्र मालकर यांनी प्रायोजित आहे त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत आहे बारा अशा शॉट के लिए रन 22 रन बगैर किसी नुकसान के फ्लाइंग स्टार्ट होता हुआ जीवनदान दो बार मिला है बहुत अच्छी कोशिश थी उसके बाद में ये खिलाड़ी गिर गए थे लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा 22 रन बगैर किसी नुकसान के नुकसान बिल्कुल होगा क्योंकि विपक्षी टीम को इसका फायदा होगा आप क्या छोड़ रहे हैं बार-बार क्या छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल इसका फायदा होगा गेंदबाजी अच्छी की थी देखिए तीन कैच विकेट कीपर ने कैच छोड़ा कवर की तरफ खिलाड़ी था इन्होंने कैच छोड़ा उसके बाद में लॉन्गन पर भी थोड़ा बेहतर प्रयास आप कर सकते थे लेकिन फील्डिंग का असर इतना अच्छा नहीं है जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट मैगन बैटिंग कमाल की बल्लेबाजी की बल्लेबाज ने गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब आए हैं मतलब गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक कर इनकी तरफ बल्लेबाज की बात करें तो अजं के जिन्होंने खाता नहीं खोला पहले ओवर में अजय इस वक्त फ्लाइंग स्लीप की तरफ है गली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है लॉन्ग लॉन्गा बाउंड्री लाइन पर है लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लड़ पर फिटिंग भी तब्दीली करना चाहते हैं प्रमुख गेंदबाज के खिलाफ आप रन बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके साथ बाकी का साथ भी मिला पहले ओवर में रनसंख्या बाईस रन बगैर किसी नुकसान के छह गेंदों में बाईस रनों की साझेदारी उसमें अजिंक्य को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था स्ट्राइक नोस्टेन की तरफ खड़े थे के बाहर गेंद थी हवा में है इस बार कोई गलती नहीं है अजिंक्य बैक टू द पैवेलियन पहले विकेट का पतन और सोनगांव के उम्मीदों को पहला झटका लगता हुआ वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है आप देख रहे हजार 2020 का एक अच्छा टूर्नामेंट वेल ऑर्गेनज टूर्नामेंट है ग्रैंड पिंदल का दिन चल रहा है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर देखिए ये मुकाबला अगर आपको जीतना है तो आपको विकेट लेने होंगे अजिंक्य का विकेट खोने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं कप्तान मैदान के अंदर नौ स्ट्राइक रियन की तरफ और अच्छी गेंदबाजी प्रणव द्वारा इस ओवर में पहली गेंद थोड़ी ऑफ के बाहर थी थोड़ा शरीर से दूर खेले पॉइंट पर कोई गलती नहीं है बढ़िया कैच लिया गया थर्ड तो गली खिलाड़ी मौजूद की तरफ वही खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने कैच छोड़ा था इस बार कोई गलती नहीं है विशाल बैक टू तो दैवल सेकेंड विकेट पर ये बहुत ज्यादा सारे समर्थक खास करके फील्डिंग करने वाले क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पन्ना पहले ओवर में 22 रन आए थे दो विकेट के नुकसान पर रन संख्या दो विकेट के नुकसान पर 22 है पहले विकेट के अगर बात करें तो अच्छी साझेदारी बनी थी लेकिन एक विकेट खोने के बाद विकेट गुच्छे में आए अब हैट्रिक ऑन है इस निरंतरता के साथ क्रिकेट होगी तो मौका मिलेगा फील्डिंग करने वाले टीम के लिए मालवाड़ी के लिए भी मौका मिलेगा लेकिन फील्डिंग का स्तर अच्छा होना चाहिए बिल्कुल इनकी चर्चा है शानदार खिलाड़ी है मेहनत करते ईमानदार खिलाड़ी है मैदान के अंदर लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते एक बार फिर बाकी सारी खिलाड़ी अगर थोड़ा मदद करेंगे तो बिल्कुल बात बनेगी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं शानदार प्रदर्शन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके सौरभ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यार हैट्रिक ऑन ओहो बढ़िया गेंद टिप ऑफ टप के बाहर सवाल बिल्कुल पूछा था लेकिन अंबर के ऊपर कोई नहीं है रन संख्या बाईस रन दो विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का बचा रहे टिप्पा ऑफटप के बाहर रख रहे हैं एक बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे फ्रंट फुट पर एक रक्षात्मक खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है दो बिंदी गेंदे मतलब वो विकेट आए उसके बाद में तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया मतलब तीन बिंदी गेंदे आई है शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राइट टर्म ओवर द विकेट ड्राइव किया बहुत सुंदर तरीके से वाइट ऑफ की तरफ गेंद फील्ड होती भी जब तक इस गेंद को लॉन्गअप का खिलाड़ी फील्ड करते तो करते तब तक तो तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया कप्तान दिनेश का खाता खुलता हुआ रन संख्या तेईस तेईस रन दो विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है सोनगांव और मालबाड़ी के बीच एक अच्छा मुकाबला चल रहा है आवासी और मालबाड़ी के आवाशी मालबाड़ी और रामवर्धनी सोनगांव के बीच मुकाबला चल रहा है अच्छा ओवर घटता हुआ प्रणव की तरफ से टेपर शॉट इनसाइड आउट के लिए कवर की तरफ गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉन्डी नन के बाहर जाएगी दर्शनीय स्टोक शुक्रिया डीजे अब धीरे धीरे हमारे डीजेअप की गाड़ी पटरी पर आ रही है अच्छा लगता है अच्छे गाने बजा रहे हैं मीठे मीठा संगीत और एक बहुत ही खूबसूरत शॉट बल्लेबाज सौरभ की तरफ से सौरभ चार पर दिनेश एक पर खेल रहे रन संख्या सत्ताईस रन दो विकेट के नुकसान पर ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है और यह आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आखिरी गेंद विशेष लेकिन सबके लिए होगी विशेष बाहरी किनारा अजय नहीं रोकने वाले हैं इस बार अपने लेफ्ट हैंड में मैजिक है वो बता रहे हैं भारी बक्कम शरीर है लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग बहुत ही सुंदर फील्डिंग बढ़िया फील्डिंग आज बल्ला नहीं बोला लेकिन कारगर साबित होते हुए अगर यहाँ से पीछे जाती तो रोकना आसान नहीं था देखिए एक हाथ जो लेफ्ट हैंड है उनकी उस सरप गेंद आई सत्ताईस दो विकेट का के नुकसान पर आकर गेंद पर आया सिंगल दो ओवर की कहानी समाप्त होती हुई अठारह गेंदों का खेलते चलते छब्बीस रनों की जरूरत है मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे एक सुपर हिट गाना सुनेंगे और चर्चा जारी रहेगी वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है अट्ठाईस रन दो विकेट के नुकसान पर दो ओवर का खेल समाप्त तो होता है अठारह गेंदों का खेल से पच्चीस रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए करण रेड्डी चौदह का है अट्ठाईस दो विकेट के नुकसान पर आखिरी जो कि ओवर की बात करें तो बहुत अच्छा ओवर बढ़िया गेंदबाजी की अब अच्छे चषक में सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला जो है वो भी थोड़ी देर के बाद शुरू होगा यह पहला मुकाबला आप देख रहे हैं अठारह गेंदों में पच्चीस रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए आठ दशमलव तीन तीन के अवसर से ये रन बनाने हैं आपको एक तरफ गेंदबाजी में परिवर्तन होता भाई। यंग खिलाड़ी को मौका मिलेगा गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चेतन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन टैलेंट कूद कूद कर बनाओ बा सौरभ ने अच्छा आगाज किया एक अच्छा कवर ड्राइव इनको मैंने कमवार देखा है कि वो ऑफ साइड की तरफ खेलते हैं अगर आप दोनों तरफ खेलने लगेंगे तो और परेशान कर सकते हैं बड़े शॉट खेलने वाले माहिर खिलाड़ी हैं रक्षात्मक को चलाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक रन यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ज्यादा फासला नहीं है। सत्र के अंदर चौबीस रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए अगर यह मुकाबला माल बाड़ी को जीतना है तो विकेट लेना बहुत जरूरी है रेगुलर इंटरवल में विकेट लेते रहेंगे तो मैच में वापस आने का मौका मिलेगा कम करने का मौका मिलेगा अब खेलते हुए थोड़ा आड़े से गेंद खिलाड़ी लेकिन नहीं रोक पाएंगे बिल्कुल गेंद अंदर या बाहर देखने वाली बात है गेंद बॉडिली की तरफ जाएगी चार रनों के लिए या एक बार फिर देखा की तरफ से फैसला आया कि ये गेंद बॉडिली की तरफ जाती हुई चार रनों के लिए चौके के साथ गाना आएगा डीजे आइए

गेंद जानी चाहती है पॉइंट की तरफ बाहरी किनारा भाग्य का सारा गेंद बॉलिंग के बाहर चार रन लोग ले जाते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी में के अंदर सौरभ द्वारा आज थोड़ा अलग खेल रहे हैं यू इसी के साथ रनसंख्या कुल मिलाकर चालीस रन दो विकेट के, के नुकसान पर आउट बैटिंग बाय सौरभ बारह गेंदों में तेरह रनों की जरूरत है बारह चेंडू तेरह धापन की आवश्यकता मैच जिंग करता सोनगांव की टीम क्या ये मुकाबला जीत पाएगी एक बार फिर क्या इस मैच में आएगा देखने वाली बात है मालबाड़ी आवासी के पास भी मौका है लेकिन विकेट चाहिए वो विकेट की बात करें तो वो विकेट जो है गुच्छे में आने चाहिए स्क्वायर कट करना चाहते थे बाहर के अंदर लगा था इस बार जो पॉइंट और थर्डमेट के बीच का फासला है उस फासले को चीरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर आई अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है प्रमुख गेंदबाज सागर गेंदबाजी करेंगे मेरे हिसाब से प्रमुख गेंदबाजों को सही वक्त पर आपको लेके आना होता है पहले ओवर में बाईस रन दिए थे बढ़िया गेंद बहुत अच्छी गेंद थी इस बार रक्षात्मक स्टोक खेलते हुए एक रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं दो रन मुकम्मल किए कर फील्डिंग का फायदा उठाते हुए बढ़िया प्रदर्शन रहा है बयालीस दो विकेट का नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है ग्यारह गेंदों का कैसे जीतने के लिए ग्यारह रनों की जरूरत है स्कोरबोर्ड की तरफ एक बार फिर देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन के, 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 के माध्यम से सारा नज़र आप देख सकते हैं एक अच्छा माहौल बना हुआ है ग्यारह गेंदें ग्यारह रनों की जरूरत है मैच में वापस आने के लिए आपको गुच्छे में विकेट चाहिए प्रमुख गेंदबाज सागर गेंदबाजी कर रहे हैं के के बाहर जाते बाल का इशारा होता गुड़ेकर और विशाल नाइक तीन दिन में कर रहे हैं और इस वक्त हमारे कॉम्पाउस आगमन राजेंद्र मालकर सुभाष आमरे आगमन होते ही स्वागत है वेलकम उड़ाया ताराम लेकिन खिलाड़ी दायरे के अंदर जाते हुए व के खेमे में एक बार फिर उल्लास है आवासीय कप में ये 120 सौ बच्चों का है शुक्रिया डीजे टप्पा करने के बाद उछाले थे बेगेंद को स्क्वेली की तरफ खेलना चाहते थे बल्ले के बीच-बीच नहीं खेल पाए थे ये बढ़िया गेंद बहुत अच्छी गेंद थी टिप्पा खाने के बाद उछालते भी गेंद को थोड़ा फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करते लेकिन गेंद के पीछ तक नहीं पहुंचे सैंतालीस दो विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था लेकिन तारीफ करने की बल्लेबाजों की सौरभ ने आज अलग सोच के साथ बल्लेबाजी की है पिछले मैच में हर शॉट को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन इस मैच में ऑफ साइड पर बल्लेबाजी की है टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रहती है बॉल का इशारा होता हुआ रन संख्या अड़तालीस अपने मंजिल की तरफ बढ़ती हुई टीम सोनगांव की अगर ये मुकाबला जीतेगी तो फाइनल की तरफ जाने का मौका मिलेगा सदगुरु आबाशी और रुद्र बुलून के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं प्लीज हमारे की तरफ आइए अड़तालीस दो विकेट के नुकसान पर यह बहुत अच्छी गेंद थी ब्रोकोल में डालने कोशिश। भी अंद की कोशिश चाहते अंदर गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया था इस बार से सफलता मिली बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी और इसकी जरूरत है रन संख्या अड़तालीस दो विकेट के नुकसान को दिनेश बाना पर, पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरी तरफ से सौरभ की बात करें तो ये भी 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं एक अच्छी साझेदारी पनप्त भी तीसरे विकेट के लिए राइट टार्म ओवर द विकेट सागर गेंदबाजी कर रहे हैं आपके पास देखिए तिरपन को डिपेंड करने के 48 बने दो विकेट के नुकसान पर गेंदे अभी भी बहुत है चौथा ओवर प्रगति पर है विशाल का बहुत ही महंगा ओवर करके सागर की बात करें सागर का महंगा रहा है इस बार देखिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अब आप गेंद है लेकिन दायरे के अंदर इस बार कोई नहीं है एक रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं की तरफ जाते हुए चार रनों के लिए एक रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए डीजे सोनगांव को जीतने के लिए एक रन की जरूरत है रन विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर सागर गेंदबाजी करने के कर लिए तैयार बढ़िया शॉट नटराज शॉट और कारगर गेंद बॉडिलन के बाद चार ओवर के लिए फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है राम वरदानी सोनगांव की तरफ अगर देखे तो यहां हर्ष उल्लास है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये विनिंग मोमेंट था शुक्रिया दोस्तों जिस तरह से ये टप्पा खाने के बाद थोड़ी मिनट इलेक्शन पर गेंद जा रहे थे थोड़ा पीछे चले गए क्रिस के गहरा में और फाइनली की तरफ खेलते हुए सोनगांव के सारे खिलाड़ी हमारे कॉम्पाउंड की तरफ आएंगे सोनगांव पहली टीम फाइनल में प्रवेश कर रही है आवासीय चषक दो में कंग्रेचुलेशन और मालवाड़ी आवासी का सफर समाप्त होता हुआ सदगुरु आवासी रुद्र इलेवन मुलून के लिए मौका है आगे बढ़ने का तो दोनों टीमों के कप्तानों को मैं गुजारिश कर रहा हूं दरख्वास्त कर रहा हूं आपको भी हमारे कॉम्पॉक्स की तरफ आना है उससे पहले मैन ऑफ द मैच हम प्रदान करेंगे